Very good morning, children. Now this is the second part of our chapter 3, aggregate demand and its components. हमने जो अपनी जो पहला पार्ट हमारा इसी स्लाइड पे एंड हुआ था, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एपीसी। इस मीनिंग क्या लिख रखा है, इट रेफर्स टू द शेड्यूल विच शोज द लेवल ऑफ कंजप्शन एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि जैसे कर्सर को देखो आप कि ये टेबल है जो क्या शो करता है, द लेवल ऑफ कंजप्शन एंड डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे आपका जो कंजप्शन लेवल है, और ये दो तरह की होती हैं, एक का नाम है एपीसी और दूसरी का नाम है एमपीसी, जो हम अभी बात भी कर चुके हैं, तो डिटेल में देखेंगे हम। पहली वाली का नाम है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो ये कर सकते हो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फॉर्मूला ये रहा, ध्यान से इसको बॉक्स में लिख देना, ये काम आता है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, ये टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और ये टोटल नेशनल इनकम है। तो जो भी नेशनल इनकम आई है, जो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर आया, आप सी बाय वाई करके आप ये वैल्यू एपीसी की आपकी दिख रही है, कॉलम को ध्यान से देखो, कर्सर को देखो, ठीक है ना। तो इसके कुछ फीचर्स फिर इसके बेसिस पे हमारे को सामने आते हैं। एक तो ये समझ में आया, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है एपीसी फॉल कर रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है हमारे को, एपीसी वन से भी ज़्यादा हो सकता है, जैसे दिख रहा है टू। कब होता है जब हम बोलेंगे जब कंजप्शन ज़्यादा होगा नेशनल इनकम से, क्योंकि सी बाई वाई फॉर्मूला है, तो हम 20/10 करेंगे तो 2 ही तो आएगा। तो आपसे पूछा जाए रीज़न क्या है, तो आप बोलोगे व्हेन कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज मोर देन नेशनल इनकम। इसका ये भी फीचर होता है, वन से कम भी होता है, बोले कब कम होता है, जैसे यहाँ पे दिखेगा सी बाई वाई, अभी यहाँ 35/40 करोगे तो ये डेसिमल्स में तो आएगा, वन से कम हो गया ना, पर जो न्यूमरेटर में छोटा नंबर है अभी कंपेरेटिवली ग्रेटर नंबर इज देयर डिनोमिनेटर, या 40 बोलते हैं ना, 35/40। आप क्या बोलोगे, माई नेशनल इनकम इज मोर देन द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या मैं बोले कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज लेस देन द नेशनल इनकम, ये ज़्यादा सही रहेगा। कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज लेस, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम है इनकम से। दूसरी बात, ये बराबर भी हो सकता है, बोले कब बराबर होगा, बोले जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर नेशनल इनकम जो बराबर होंगे, जैसे ये रहा इस पॉइंट वन होता है, तो यानी वन से बड़ा भी है, वन से कम भी है, और वन भी हो सकता है। तो ये कई बार ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है, रीजन के नंबर होते हैं, मैंने आपको टेबल समझा दिया। बट एमपीसी कैन नेवर बी जीरो, ये ध्यान रखने वाली बात है, जो लास्ट पॉइंट कर सको देखो, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। क्यों, जीरो होने के लिए सी जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है इसको जीरो होना पड़ेगा, ये तो कभी भी जीरो नहीं है ना, ये बिल्कुल जीरो लेवल में इनकम 15 से स्टार्ट हो रहा है। देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं, तो ये कभी जीरो नहीं होता है, ये बात सीखने वाली। रीजन में क्या बोलोगे, बिकॉज कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज नेवर बी, इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एंड दैट इज दैट मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज नोन एज ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ये हमारे को बात समझ में आ गई है। तो ये 3-4 फीचर मैंने बताया, इसको दोबारा से पढ़ना, और फीचर को पढ़ने के लिए फार्मूला हमेशा यह काम आता है, वो फार्मूला और उस पर वैल्यू पुट करके ही इनको समझा जा सकता है, इनको रट्टे नहीं मारे जा सकते हैं कि क्या है, वन से ज़्यादा है, वन से कम है। जैसे बोले वन से ज़्यादा है तो फार्मूले पर आ जाओ, फिर वैल्यू पुट करके दो, और वो वैल्यू पुट जो कैसे करनी है, वो डिपेंडिंग ऑन द जो हमने पढ़ा है, हमारा बिहेवियर हम पढ़ चुके हैं इसका, अकॉर्डिंग टू द लॉ जो भी हम पढ़ रहे हैं, जिस अप्रोच के अनुसार ही हमारे को वैल्यूज पुट करनी है। अब आ गया हमारे पास एमपीसी, इसका फॉर्मूला देखो क्या है, जो बी मैंने पहले ही बताया था, जो हमने पढ़ा था जब सी बार प्लस बी वाई, तो बी को हम डिनोट करते हैं, जो इसके लिए डिनोट होता है एमपीसी के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, पहली बात तो ये सीख ली। मीनिंग क्या है, देखो क्या है, चेंज इन का मुझे तो समझ में आ गया, तो अब देखो इसको टेबल से समझो एक बार, यहाँ पर थोड़ी बात समझ में आएगी। देखो इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, मैंने एमपीसी बोला आपको, जैसे हमने एज्यूम कर लिया 0.5 एज्यूम कर लिया, तो 0.5 एज्यूम कराया है तो चेंज देखो बार बार 10 का आ रहा है, और 0.5 करा है तो कंजप्शन का चेंज जो आएगा वो, क्योंकि मैंने बोला था 0.5 का मतलब होता है 50% कंज्यूम 50% सेव, तो 0.5 यहाँ पे एज्यूम करने की वजह से क्या हुआ, देखो आप बार बार चेंज इनकम का चेंज 10 है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो चेंज है 5 है, यहाँ पे भी दिखेगा यहाँ पे भी दिखेगा, तो ये चेंज तो अब सीख गया है, यही चेंज एमपीसी बता रहा है, यानी जब भी नेशनल इनकम बढ़ी उस चेंज का कितना पार्ट कंजप्शन में एलोकेट हुआ, कितना पार्ट सेव किया है। तो हमने 0.5 बोला एमपीसी इज 0.5, इट मींस
दैट 50% ऑफ द नेशनल इनकम इज कंज्यूम ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये 0.5 समझ में आ रहा है हमारे। इसके फीचर्स क्या है समझ में आ रहा है हमारे को कि पहला फीचर हमारे को क्या हो रहा है कि एमपीसी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा जीरो से बड़ी होती है। क्योंकि एमपीसी को जीरो करने का मतलब क्या है, अगर मैं से बोलूँ क्या ना एमपीसी भी जीरो, आप बोलोगे इसको यहाँ पर चेंज पे जीरो लगा के देख लो नेशनल इनकम का जो भी चेंज हुआ, बोले हाँ पॉसिबल तो है। इट मीन्स दैट दैट एडिशनल नेशनल इनकम जो थी वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में एलोकेट नहीं हुआ, एंटायरली सेव बोलेंगे इसको दिख रहा है यहाँ पे एमपीसी जीरो इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव। वैल्यू पुट करके देखना है, जब भी बोले आपको यहाँ पे फॉर्मूले पे आना है और वैल्यू पुट करके देखना है। मैं बोलूँगा एमपीसी क्या वन हो सकता है, तो आप दोनों तो क्या वैल्यू पुट करके देखो, बोले वन आने के लिए क्या होगा, यानी जितनी वैल्यू चेंज की आई थी, जैसे यहाँ 10 है अगर इनकम जैसे 10 से चेंज हुई नेशनल इनकम, तो अगर यहाँ भी 10 होगा तभी तो वन आएगा। इसका मतलब क्या समझ में आया, एंटायर नेशनल इनकम इज कंज्यूम तेरा एमपीसी कैन बी वन, एंटायर नेशनल इनकम इज कंज्यूम एमपीसी कैन बी वन। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, और ये आते हैं कई बार ट्रू फॉल्स के अंदर, तो आप इस तरीके से पूछेंगे एमपीसी इज लो इन केस ऑफ रिच पीपल, क्योंकि उनकी इनकम इतनी ज़्यादा होती है, तो मैंने बोला ना पार्टली कंज्यूम पार्टली से, तो बहुत कम पार्ट वो अपनी इनकम का कंजम्पशन में एलोकेट करते हैं। तो मैं ऐसे बोलूँ 0.2 है 0.1 है, ऐसा मतलब इनकी इनकम इतनी जिसकी 2 लाख रुपये है, तो कोई 2 लाख थोड़ी खर्च कर देगा। मैं ये मैंने माइक्रो के टर्म्स में बताया, मैक्रो की बात हो रही है वैसे, यहाँ रिच और पुअर इस तरह से समझ सकते हो आप। इस तरह अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में भी क्या होता है, खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, जो भी उनकी इनकम आई उसका ज़्यादा पार्ट कंजप्शन में चला जाता है, तो अंडर डेवलप्ड में ऐसा होता है, डेवलपिंग में ऐसा नहीं है क्योंकि इनकम इज जीरो। कंसेप्ट ये है डेवलप कंट्रीज, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपके पास इनकम है, इंडिविजुअली सोच के देखो ना उसका कितना पार्ट, आपकी इनकम बढ़ी, पहले आप 50,000 कमाते थे, अभी वो 70,000 हो गई, तो मैं चेंज कितना बोलूँगा 20,000, तो उस 20,000 का कितना पार्ट आपने कंजप्शन में एलोकेट करा, कितना पार्ट आपने, क्योंकि पहले ही 50,000 है तो मंथली को इतना खर्चा नहीं है, तो आप उसमें से बहुत कम पार्ट, जिसकी इनकम है ही 8,000 10,000, अब उसकी इनकम 10 से 12,000 होगी, तो 2,000 का चेंज हुआ, अब इसका बहुत बड़ा पार्ट जाने वाला है कंजप्शन एक्सपेंस, दैट इज़ मैं बोलूँगा 80%, 2,000 का 80%, क्योंकि उसकी पहले इनकम कम है, तो दैट इज़ द कंसेप्ट एमपीसी, मतलब अंदर इज चेंज इन इनकम, उसका कितना पार्ट इज एलोकेटेड टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उसको दोबारा से देखेंगे मीनिंग को, एमपीसी इज एज इनकम इंक्रीज द होल ऑफ इट इज नॉट स्पेंड ऑन कंजप्शन, तो ये बात तो हमारे को समझ में आ गई है, जो एमपीसी जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो से बड़ा होता है और वन से छोटा होता है, क्योंकि जीरो से तो छोटा हो नहीं सकता ना, आपको वही तो बात कह रहा है, वो ज़्यादा ज़्यादा जीरो हो सकता है, कि 10,000 का चेंज आया तो 10,000 सभी सेव कर लिए गए, नेगेटिव होने के लिए तो क्या होना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव नंबर आना पड़ेगा ना, इनमें से नेगेटिव नंबर ही नहीं है दोनों में से कोई भी, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो कहाँ से नेगेटिव हो जाएंगे। सेविंग आ गया, अब तो सेविंग तो समझ में आता ही, अब यहाँ से आप समझ वाई इजिकल टू सी प्लस एस से समझा था हमने, यहाँ पे देखो इस वाले को कर्सर को देखो, वाई इजिकल टू सी प्लस एस एक्चुअली है, तो ये तो सिर्फ मैथमेटिकली हम सेविंग को इधर ले गए, तो ये सिंपल तो सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, ये तो समझ में आता ही है, सेविंग कब होगी जब इनकम होगी। अब यहाँ ये लास्ट वाला देखो आप ध्यान से, ये पूरा भी डेरिवेशन इतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अभी ये यहाँ पे सेविंग को समझना जरूरी, यहाँ पे इसको बॉक्स में लिख देना, ये कर्सर में बार बार यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेविंग इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस वाई ब्रैकेट में 1 माइनस बी, इसको बॉक्स में लिख देना, पूरे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे एक बार, फॉर द स्टार्टिंग वी मस्ट बी अवेयर एंड वी मस्ट नो दैट सेविंग की इक्वेशन क्या होती है, कैसे होती है वो मैं धीरे धीरे बता दूंगा आपको कैसे डेराइव किया एक्चुअली इसको, अभी तो इतना समझो वहाँ पर तो सी बार था कंजप्शन में, यहाँ माइनस सी बार है, वहाँ पे बी था, यहाँ पे 1 माइनस बी, इतना तो याद कर लोगे, उसके बी को हम बोलते थे एमपीसी कंजप्शन में, यहाँ बोलेंगे 1 माइनस बी को एमपीएस, ये थोड़ा सा याद रखना भैया, सेविंग हम टेबल तैयार कर रहे हैं, माइनस सी बार तो अमाउंट ऑफ डिस सेविंग है, ये तो समझ में आता ही है, मैंने पहले भी बताया था वो जो ऑटोनोमस कंजप्शन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, डिस सेविंग से आ रहा है, इवन वेन दीरो लेवल ऑफ इनकम, द अमाउंट ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन इज एक्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ डिस सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम,
1 माइनस बी जो कि एम पी एस इज द स्लोप ऑफ द फंक्शन, इट गिव्स द इंक्रीज इन सेविंग पर यूनिट इंक्रीज इन इनकम, यानी कितनी होगी। जैसे मैं बोलूँ अगेन एम पी एस 0.2 बोलूँ, इसका मतलब क्या है कि 20% को सेव किया गया। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है एम पी एस 0.5 है तो 50% को सेव कर रहा है इनकम पर 50%। तो ये पूरी क्वेश्चन ही आती जा रही है। तो माइनस सी 12 को समझ आई गया, ये माइनस 15 है, ये आपने दे रहे थे। तो अब यहाँ से तो समझ में आएगा ना, देखो अब यहाँ से y इजिकल टू सी प्लस ऐसे बार बार सम करोगे, y का पार्ट कंज्यूम्ड है, y का ही पार्ट सेव्ड है, तो 15 माइनस 15 प्लस का साइन है, वैसे तो जीरो हो जाएगा ये 20 माइनस 10 10 25 माइनस 5 एक्चुअली प्लस कर रहे हैं लेकिन प्लस माइनस मैथमेटिकली माइनस हो जाता है वो 30 प्लस 0 30 35 प्लस 5 40। तो ये सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इनकम का ही पार्ट कंज्यूम किया जा रहा है, इनकम और उसी का एक पार्ट जो है सेव किया जा रहा है। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन क्या है शुरुआत में ज़्यादा है कंजप्शन, बोले कहाँ से 10 का कौन सा पार्ट आप 20 में खर्चा कर रहे हो, बोले ये डिस सेविंग का पार्ट है, माइनस 10 पुरानी सेविंग में से निकाल लिया है, यहाँ से बोलेंगे सेविंग वाला पार्टली कंज्यूम पार्टली सेव। ये जो लास्ट वाला कर सकते हो 40 है जब नेशनल इनकम, 35 कंज्यूम 5 सेव, 30 नेशनल इनकम है 30 कंज्यूम नथिंग इज सेव ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ से आपको सेविंग का समझ आएगा, नेगेटिव स्टार्ट होता है, नेगेटिव स्टार्ट होता है इनकम के बराबर होता है और फिर ऊपर निकल जाता है, नेगेटिव से स्टार्ट होता है इनकम के बराबर होता है फिर ऊपर निकल जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना ये नीचे से स्टार्ट होता है, ये क्वाड्रेंट जो है नेगेटिव क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है ये, तो ये माइनस सी बार है, ये ध्यान से ऊपर से ये वही एक्स एक्सिस पे इनकम है वाई एक्सिस पे वेरिएबल आता है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल हमारा सेविंग है। कैसे होता है ये ऑरिजिन के नीचे से नेगेटिव स्टार्ट होता है और क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा है एक्चुअली डिस सेविंग हो रही है, फिर यहाँ ब्रेक इवन आता है जहाँ पे इनकम के बराबर हो गए, ना तो सेविंग हुई ना तो डिस सेविंग हुई। तो वो पॉइंट कहाँ है, वो ये वाला है मैंने बता दिया रहा 30। थर्टी है ऐसे 30 यहाँ से सुन रहे 30 मैं चलिए कहूँ 30 कंज्यूम 0 सेव, तो ये जीरो सेविंग डिस सेविंग फिर जीरो सेविंग, ये बी पॉइंट यहाँ से सेविंग स्टार्ट होगी। उसके बाद कंसिटी जो सेव समझ में आ ही गया हमारे को थोड़ा सा, अभी पार्ट सेविंग क्या होती है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, ये लिख रहा है अमाउंट फिर भी सेव डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, ये भी एपीएस और एमपीएस होते हैं। एपीएस वहाँ हमने पढ़ा था एपीसी वो था सी अपन वाई, यहाँ है एपीएस यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये है एस अपन वाई यानी टोटल सेविंग रेशियो, किसका है टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। तो ये फॉर्मूले से हमने ये एपीएस निकाल लिया है, एस अपॉन वाई करके ये एपीएस निकला। तो एपीएस कैन भी नेगेटिव है तो समझ में आ ही रहा है पॉसिबल है, कब है बल्कि कब नेगेटिव होता है, कब नेगेटिव होगा ये जब कंजप्शन ज़्यादा होगा इनकम से, एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज हायर देन इनकम, ये ना नेगेटिव साइन आ जाता है ना, इसलिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इधर नेगेटिव साइन आ जाता है, जब भी ज़्यादा मिलेगा आपको नेगेटिव साइन, इसलिए ये नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कब होगा जब यहाँ पे आपकी एंटायर नेशनल इनकम इज कंज्यूम, सेविंग कुछ की नहीं है, यहाँ पे जीरो डालोगे ना, मैंने बोला ना जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको फॉर्मूले के पास जाना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या कह रहा है जीरो हो सकता है कि एस पे जीरो डालोगे ना ऊपर वाई पे तो कोई भी नंबर आ जाएगा, इसका मतलब क्या है नेशनल इनकम का पार्ट सेविंग में नहीं गया, एंटायरली इट इज कंज्यूम। और मोर देन वन नहीं होता है क्योंकि उसके लिए क्या होना पड़ेगा इनकम से ज़्यादा सेविंग, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एपीएस कैन नेवर बी मोर देन वन, वन से ज्यादा नहीं होता है तो सेविंग कैन नेवर बी इक्वल टू और मोर देन इनकम, इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती सेविंग, इसके बराबर भी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो कंजप्शन तो इवन इस वक्त इनकम नहीं है वो तब भी कंजप्शन तो है ही एक्सपेंडिचर,
ये एमपीएस आ गया, एमपीएस का फॉर्मूला ये रहा, इसको बॉक्स में देखो ये कैसा दिखा रहा हूँ, बॉक्स में लिख देना एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन एस अपॉन चेंज वाई। इसका मीनिंग में ये नेशनल इनकम का जो एडिशनल नेशनल इनकम आई, जो चेंज आया उसका एडिशनल नेशनल इनकम का कितना पार्ट जो एडिशनल है सेविंग में गया, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। इसको इस टेबल से समझ सकते हैं, इसे मैंने बोला यहाँ 10 का चेंज हुआ तो कितना पार्ट सेविंग गया है, जैसे 0.5 बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे 0.5 का मतलब 50% सेविंग निकला गया। तो एमपीसी 1 हो सकता है, वही फॉर्मूले के पास जाएंगे चेंज, ये हो सकता है यानी सारा ही सेव कर लिया जाए, ये क्लियर कर लिया जाए। देखिए यहाँ पे मैंने अगर 10 यूनिट्स का चेंज हुआ नेशनल इनकम में, जैसे 10 करोड़ बोलें तो 10 करोड़ का 10 करोड़ सेव कर लिया जाए तो 10 सेम नंबर आ गए ना, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। 1 कब आएगा, जब ये दोनों नंबर सेम होंगे, इसका मतलब क्या है इंटायर नेशनल इनकम इज सेव। ये नंबर 0 हो सकता है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, देखो कर सकते चेंज इन एस पे 0 आ जाएगा, तो इंटायर नेशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, ये 0 भी 0 और 1 की बीच लाई करते हैं, ये दो याद कर लेना क्योंकि ये दोनों ही क्योंकि इनकम से ही निकल रहे हैं, एमपीसी और एमपीएस का सम भी 1 होता है, एपीसी और एपीएस का सम भी 1 होता है, ये याद रख लेना, न्यूमेरिकल्स में काम आता है। जैसे मैं बोलूँ कि 0.6 एमपीसी है तो उस वक्त एमपीएस कितना है 0.4 ही है, यानी 60% कंज्यूम हो रहा है तो 40% तो सेव हो रहा है, ऐसे समझते हैं। इसमें मैं बोलूँ 0.5 एमपीसी है यानी 50% कंज्यूम हो रहा है एडिशनल इनकम का जो चेंज हो रहा है, तो 50% हो रहा है तो 50% सेव हो रहा है इसका मतलब, तो इस तरह से समझते हैं। मैं बोलूँ एमपीसी 0.8 है तो यानी 80% कंजप्शन में जा रहा है एडिशनल इनकम का, एडिशनल कंजप्शन जो हो रहा है, तो आप बोलेंगे 0.8 एमपीसी का मतलब है 0.2 सेव हो रहा है इसका, तो दैट इज हर बार 1 आना चाहिए, कंसेप्ट ये है। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन, इसका मतलब एक कंजप्शन फंक्शन से सेविंग फंक्शन निकालना, तो इसके लिए देखो 2-3 पॉइंट्स की बात करेंगे। पहला पॉइंट है जब ऑटोनोमस जो जहाँ से सी है, जितना ओ सी होता है उतना ही ओ माइनस सी होता है, ठीक है ना, एक तो ये पॉइंट मिल गया माइनस सी। और दूसरा जब ब्रेक इवन हो रहा होता है, जिस वक्त हम बात करेंगे कि कंजप्शन और इनकम बराबर है, तो बराबर है तो इसका मतलब सेविंग नहीं हुआ, तो ये वाई मिल गया, उस वक्त सेविंग 0 है, तो वाई पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट है ये हमने LM इसका वर्टिकल डिस्टेंस निकाला और ये इसके बराबर है L1 Y1 के बराबर, LM वर्टिकल डिस्टेंस कितना सेव हुआ, जितना कंजप्शन कम है उतना ही सेविंग है एक्चुअली। इसको देखेंगे देखो क्या लिख रहा है, पहले तो ये इन पार्ट ए सी डैश कर्व शोज, ये तो सिंपल लेबल कर रहा है, ओ सी इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट 0 लेवल ऑफ इनकम, ये तो मैंने बता दिया, ये रहा ओ सी, कर्सर देखो ओ सी, ये तो समझ चुके हो अब तो, ऑटोनोमस कंजप्शन होता है इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम देयर इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, तो वो कहाँ से आया, वो डिस सेविंग ही तो है। व्हेन इनकम इज 0 द इकोनॉमी कंजप्शन लेवल इज ओ सी, दैट द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ सेविंग इज माइनस ओ सी, सो माइनस सी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्टार्टिंग कर्व और सेविंग कर्व, सॉरी तो सेविंग कर्व से कर्व यहाँ से स्टार्ट होता है माइनस सी से, कैसे स्टार्ट हुआ ये अब समझ में आ गया, जितना ऑटोनोमस कंजप्शन था उतना डिस सेविंग हुई तो माइनस सी से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या मिल रहा है, एट ओ वाई लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम सो सेविंग्स आर 0, ओ वाई लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम ये ए पॉइंट, देयरफॉर सेविंग इज 0 तो वाई पॉइंट, तो वाई दूसरा मिल गया। एट ओ वाई वन लेवल ऑफ इनकम ये रहा ओ वाई वन लेवल ऑफ इनकम कंजप्शन इज लेस देन इनकम, कंजप्शन कम है इसके चक्कर ओ वाई वन पे, ओ वाई वन पे कंजप्शन इज लेस देन इनकम, ये तो समझ में आ चुका है, सेविंग स्टार्ट हो चुकी है, तो एल एम हमने वर्टिकल कितना जो है कम है, ठीक है, एल एम इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन एट ओ वाई, वही वर्टिकल डिस्टेंस एक्चुअली सेविंग है L1 Y1, तो हमारे को तीसरा पॉइंट L1 मिल गया, इनको तीनों पॉइंट को जोड़ देंगे सेविंग मिल जाएगा, तो ये 3 पॉइंट ढूंढने होते हैं, जॉइनिंग माइनस सी वाई एंड L1 हमें सेविंग कर देगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स कैपिटल एसेट्स लाइक मशीनरी बिल्डिंग
इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। दो तरह के होते हैं, इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस। पहला वाला इंड्यूस्ड है, ये कर्व भी दिख रहा है, ये क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। ये प्रॉफिट मोटिव के साथ किया जाता है, ये प्राइवेट सेक्टर करता है। करते हैं इनकम बढ़ती है तो ये इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। लेकिन दूसरा वाला जो है ये इंडिपेंडेंट होता है लेवल ऑफ, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इनकम। ये हम हमारे उसमें हमने देखा था जब हम एडी की बात कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड में, तो ये करवाया था। इसको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ये गवर्नमेंट करती है, इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, ये वेलफेयर मोटिव के लिए किया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, रोड्स, इस तरह किया जाता है। उसके बाद ये कंसेप्ट है कि एक्स शांति और एक्सपोस्ट। शांति का मतलब है प्लांट, क्या प्लांट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी तरह एक्सपोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब व्हेन द सेवर्स इन एन इकोनॉमी प्लान एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ इज कॉल्ड प्लान टू सेव। इसको एक्सांते सेविंग बोलेंगे, प्लान टू इन्वेस्ट एक्सांते, यानी प्लान्ड। आपको इतना समझना है, प्लान्ड सेविंग, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लानिंग है अभी एक्चुअल नहीं है। एक्सपोस्ट का मतलब एक्चुअल हो चुकी है, ठीक है, एक्चुअल सेविंग, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, When those who are able and willing to work at the prevailing wage rate do not get the work. व्यक्ति काम करना चाहते हैं prevailing wage rate पे भी है, they are willing, इच्छा भी है, but they are still not involuntary. Voluntary वाले क्या होते हैं, When people are not willing to work, अभी उनकी इच्छा ही नहीं है, तो that is voluntary unemployment. और full क्या है, It refers to a situation in which every able person who is willing to work at prevailing wage rate is employed. That person will get the work, that is full employment. ये तीन डेफिनेशन पढ़नी है, कई बार 2 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछा जाता है, आपको ये स्लाइड्स लिखनी है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन और हम क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, अभी एक बार इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को हम अच्छी तरह पढ़ लें और टेबल्स बनाएंगे, कर्व्स बनाएंगे और अच्छी तरह पहले समझेंगे, देन ओनली वी आर इन ए पोजिशन टू सॉल्व दिस। थैंक यू।